देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण से प्रभावित है। भारत में भी कोरोना वायरस संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए लॉकडाउन किया गया। इस लॉकडाउन से लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा। इस संकट से निजात पाने लोगों ने अपने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास किया, चाहे वह समाज सेवी संस्था हो या व्यक्तिगत रूप से। हम एक ऐसे ही व्यक्तित्व से परिचय कराने जा रहे हैं जिन्होंने कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों की मदद के लिए प्रयास किया। हम बात कर रहे हैं राजनांदगांव जिले के माड़ी धाम की, जहां माड़ी धाम द्वारा लोगों की सहायता के लिए 1,33,000 रुपए दान में दिया गया। आज के समय में जब लोग जन्मदिन या कोई समारोह में हजारों लाखों रुपए की फिजूल खर्च कर देते हैं, वहीं माड़ी धाम ने एक नई मिसाल प्रस्तुत की है। उनके द्वारा अपने नन्हे पुत्र एकलव्य के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जन्म दिवस सादगीपूर्ण मनाने का निर्णय लेते हुए उसके बदले उस राशि को कोरोना संकट में लोगों की मदद के लिए पीएम केयर फंड में 1,33,000 की राशि दी। साथ ही माड़ी धाम में जब से शासन द्वारा लॉकडाउन घोषित किया गया, उसका पूर्णता नियम पूर्वक पालन किया जा रहा है। वहां आने वाले कुछ सेवक जो प्रतिदिन सेवा करते हैं, उन्हें अंदर आने से पहले हैंड वॉश कराया जाता है। सैनिटाइज और पैर धोना, पूरे शरीर को सैनिटाइज करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाता है। शायद ही इस तरह का पालन कहीं किया जाता होगा। यह ऐसा धार्मिक जागृति धाम है जहां न ही कोई दान पेटी है और न ही कोई चढ़ावा चढ़ता है, फिर भी कई परिवारों का घर यहां से चल रहा है। यह सब सेवा, भक्ति और माड़ी की कृपा से ही संभव हो सकता है। डीएनएक्स टीवी के लिए राजनांदगांव से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। हम आए राजनांदगांव माड़ी धाम से। माड़ी धाम में जो इतिहास के बाजू में है, वहाँ से हम लोग आए हैं और प्रधानमंत्री केयर में अपन फंड में हम अपने सहयोग करना चाहते थे, उस हिसाब से आए हैं। और हमारे पोते का पहले जन्मदिन है कल 1 तारीख को, तो वहाँ किसी को कुछ खिलाना पिलाना नहीं है हम बंद के हिसाब से। ये फंड हमने यहाँ पर प्रधानमंत्री केयर में दिया। छत्तीसगढ़ में कुछ किया हुआ है उसका ये 1,33,000 दिया हमने अभी। 33,000